हेलो व्हाट्सएप फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन क्रिएट करके अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को अपने फ़ोन में एक्सेस कर सकते हो, वो भी काफ़ी ईजी वे में। एंड फ्रेंड्स, आप अपने कंप्यूटर टू कंप्यूटर को कनेक्ट करके अपने किसी दूर बैठे फ्रेंड या रिलेटिव की कंप्यूटर इशूज़ को भी आप सॉल्व कर सकते हो, वो भी काफ़ी ईजी वे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना जिससे आपको अच्छे से समझ आए कि कैसे क्रोम रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन क्रिएट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, लेट गो ऑन द पीसी स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्रोम ओपन कर लिया है। देन यहाँ पे हम ऐप्स में जाएंगे। देन ऐप्स में जाके फ्रेंड्स यहाँ पे वेब स्टोर है, ये वेब स्टोर पे क्लिक करेंगे। देन फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे सर्च कर लेंगे हम क्रोम रिमोट डेस्कटॉप। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे देन फ्रेंड्स सर्च कर लेंगे हम। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे पहले शो कर रहा है क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, ये वही है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्रोम रिमोट डेस्कटॉप ओपन हो गया है। सो इसे हम ऐड टू क्रोम कर लेंगे। देन इसे हम कैंसिल करके एंड फ्रेंड्स यहाँ पे जो लिंक दे रखा है इसमें हम क्लिक करेंगे इस पर। तो यहाँ से हमारा क्रोम रिमोट डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक रिमोट एक्सेस एंड रिमोट सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डाउनलोड ऑप्शन आएगा, अराउंड 15 to 16 MB का होता है, उसे आप डाउनलोड कर लेना। मैं डाउनलोड कर लिया है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एक्सेप्ट टू इंस्टॉल। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है अब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने डिवाइस का नेम दे देंगे, कंप्यूटर नेम दे देंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं नेम एंटर कर देता हूँ, हम कुछ भी नेम दे सकते हैं। फ्रेंड्स, देन यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आएगा ऑप्शन चूज अ पिन, यहाँ पे हमें पिन क्रिएट करना है, तो हम कोई सा भी पिन क्रिएट कर लेते हैं। देन यहाँ पे सेकंड री पिन, हमें दोबारा वही पिन री एंटर करना है। देन स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे हम। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है, हमारा डिवाइस रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो अब यहाँ पे हमारा डिवाइस पे ऑनलाइन शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रिमोट सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, इसकी हेल्प से हम कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गेट सपोर्ट, इसकी हेल्प से फ्रेंड्स हम किसी से सपोर्ट ले सकते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम किसी से सपोर्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है जनरेट कोड, सो इस पर हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे कोड आ चुका है, जो ओनली 5 मिनट्स के लिए वैलिड रहेगा। सो फ्रेंड्स, जो हमारा जो सेकंड पार्टी होगी, वो इस कोड को एंटर करके, हमें इस शेयर करना होगा ये कोड, वो इसको एंटर करके हमारे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके। तो फ्रेंड्स, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम अपने मोबाइल में कनेक्ट कर
एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल में हमारे कंप्यूटर लैपटॉप को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल में सबसे पहले जाके प्ले स्टोर पर जाना है। देन फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें सर्च करना है रिमोट डेस्कटॉप। सो फ्रेंड्स, ये रहा ऐप। इस ऐप को हमें डाउनलोड कर लेना है क्रोम रिमोट डेस्कटॉप को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया है इसको। देन मैं ऐप ओपन कर लेता हूँ। देन फ्रेंड्स, जिस आईडी से हमने अपने कंप्यूटर लैपटॉप में लॉगिन कर रखा है उसी आईडी से हमें अपने मोबाइल में भी लॉगिन करके रखना है। तो इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे शो कर रहा है जिस नेम से मैंने बना रखा था यहाँ पे डिवाइस। इसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये हमारा कनेक्ट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो पासवर्ड पिन क्रिएट किया था उसे यहाँ पे हमें टाइप कर देना है। देन कनेक्ट। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो मेरे फ़ोन में ये ओपन हो चुका है। मेरे फ़ोन में मेरी लैपी की स्क्रीन शो कर रही है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो काफ़ी इजी वे में हमने अपने लैपटॉप के कंप्यूटर को हम अपने पीसी से एक्सेस कर अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इजी वे में। यहाँ पे दो ऑप्शन है फ्रेंड्स, एक माउस का, एक फिंगरप्रिंट का। हम चाहें तो माउस लिए भी कर सकते हैं इसे कंट्रोल, या हमें फिंगरप्रिंट की तरह स्मार्टफोन में जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे भी इसे हम कर सकते हैं यूज़। यहाँ पे थ्री डॉट्स है फ्रेंड्स, वहाँ से हम एंटर करके वहाँ से हम डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हम अपने कंप्यूटर को हम अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें जैसे मैं आपको जूम ऐप ओपन करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जूम ऐप ओपन हो गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।